السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। हजरात, आज यहाँ पर प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि तीन दिन पहले तेलंगाना हैदराबाद मोइनाबाद में एक मुसलमान 14 से 15 साल की बच्ची को लेकर एक मधु यादव शख्स ने बलात्कार यानी रेप करके बच्ची को खत्म कर दिया है। आज राजेंद्र नगर पीएस हैदराबाद में उसके खिलाफ कल केस बुक हो चुका है, लेकिन केस बुक होने से कुछ नहीं होता। हम रामगुंडम के सरजमीन से नौजवानों की जानिब से ये डिमांड करते हैं कि जैसा दिशा के केस में चार हरामी लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया था, उसमें मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, हर मजहब को मानने वाला भी था, वो चार हरामी लोगों को जैसा इनकाउंटर करे हैं उसी तरह मधु यादव को भी हम डिमांड करते हैं जितना हो सका उतना तेलंगाना गवर्नमेंट से ऑर्डर होकर उसको इनकाउंटर करना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में दिन पे दिन ये देखा जा रहा है कि बलात्कार पे बलात्कार, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे दलित का हो, आज हिंदुस्तान में मुसलमान और दलित की इतनी इज्जत चले गई है कि हर जगह देखा गया तो मुसलमान को और दलित को नीचे गिरा कर देख रहे हैं, दलित को और मुसलमान को लेकर बलात्कार का तमाशा बना रहे हैं। आज हुकूमत बीजेपी रहो या चाहे हुकूमत और कोई मजहब की पार्टी रहो, और हर कोई तमाशा देख रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं, आज 3 से 4 दिन हो गया उस हरामी मधु यादव अपने घर में बैठ के अपने फकर महसूस कर रहा है, अपने आप को मर्द मुजाहिद कहता है कि छोटी बच्ची को लेकर। आज वो बच्ची उसी के घर में काम कर रही थी, कुछ दिनों पहले से उस बच्ची को इतना टॉर्चर करा, वो बच्ची अपने काम बंद करके अपने घर में बैठी हुई थी, लेकिन 3 दिन पहले रात के 10 बजे उस बच्ची के घर को जाकर ऊपर बुलाकर उसकी छोटी बहन साथ में जाती है, उसकी छोटी बहन को कहता है तुझे कुछ काम नहीं है तो नीचे चले जा। जब नीचे चले गई तो उस बहन को लेकर, उस नाजिया बेगम की बच्ची को लेकर रेप करता है। जब बच्ची आवाज उठाती है तो उसको गला घोटकर मार देता है। फिर सुबह जब घर वाले उठकर घर में देखते हैं